नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। खबरें मुल्ताई से। मुल्ताई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए जयस्तम चौक, फवारा चौक सहित नगर के चौक चौराहों और सड़कों को नगर पालिका ने किया सैनिटाइज। मुल्ताई, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा पवार ने मुल्ताई के शासकीय अस्पताल में पहुंचकर लगवाया कोरोना का टीका। भाजपा नेता हेमंत देशमुख ने मंगलवार को सरकारी अस्पताल में बीएमओ अमृत फले को 15 पीपीई किट प्रदान की, साथ ही प्राइवेट अस्पताल के संचालक डॉक्टर कृष्णा धोटे को 5 पीपीई। अठारह साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आज 28 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं, जिससे www.covin.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खबरें अब बैतूल से। बड़ोरा में पुलिस की अनूठी कार्रवाई, बेवजह घूमने वालों को बस में बैठाकर 2 किलोमीटर दूर फोर लेन पर छोड़ा जा रहा है। बैतूल, इटारसी रोड में खुली मिली कबाड़े की दुकान, धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध, एसडीएम ने की कार्रवाई। बैतूल जिले के सांसद दुर्गादास उइके कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी, साथ ही 3 या 4 दिन में जो भी इनके संपर्क में आए हैं उन्हें जांच कराने का अनुग्रह भी किया। खबर अब आमले से। आमले में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेत्रियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन पर हुआ मामला दर्ज। आमला, कोविड संक्रमण के चलते भक्तों ने घरों में रहकर मनाई हनुमान जयंती, साथ ही घर में ही किया पूजन। खबर घोड़ा डोंगरी से। घोड़ा डोंगरी में किया गया सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव, नगर परिषद घोड़ा डोंगरी में बीमारियों की रोकथाम के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में छिड़काव किया गया। घोड़ा डोंगरी, कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए घोड़ा डोंगरी में अब एक और कोविड सेंटर खुलने जा रहा है। गर्ल्स स्कूल में कोविड केयर सेंटर का कार्य शुरू किया जा चुका है। अभिनेता सोनू सूद, कोविड-19 में मदद का एकमात्र नाम, ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, अब ये पूरी तरह से फिट और फाइन हो चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, इस टोल फ्री नंबर पर बात करके कोई भी मरीज इनकी हेल्प ले सकता है। स्क्रीन पर आपको नंबर शो किया जा रहा है। धन्यवाद।